जी हाँ, पेंटिंग एक्चुअली ये एक नीलोद्भव नाम से सीरीज़ थी जो मैं बना रहा था। इसमें लगभग 14 पेंटिंग हैं और ये मोनोक्रोमेटिक वर्क है मेरा और एब्स्ट्रैक्ट है। निश्चित रूप से मैं एब्स्ट्रैक्ट माध्यम भी बनाता हूँ, किंतु ये नीला रंग है, नीलवर्ण है और इस नीलवर्णी चेतना से समग्र चिंतन मेरा जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से समष्टि और व्यष्टि का जो संवाद है, इस नीलवर्णी चेतना से ही मैं जुड़ करके इस संवाद को पूरा करता हूँ। और ये लगभग 1-1.5 महीने की अवधि में मैंने इस चित्र को बनाया और ये 10-12-15 चित्र हैं, लगातार एक सीरीज में मैंने काम किया है। तो ये पेंटिंग भी मेरे इस संवाद का एक हिस्सा है। क्योंकि कविताएं भी मैं कुछ कविताओं को भी पढ़ूंगा या सुनाऊंगा, कुछ पेंटिंग पर भी चर्चा करूंगा, कहानी पर भी चर्चा करूंगा, विशेष रूप से कहानी पर मैं चर्चा करूंगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नीलोद्भव सीरीज़ में जो नीलवर्णी चेतना है, ऑलमोस्ट ये ब्रह्मांडी चेतना में नीला जो रंग है ये बहुत अधिक व्यापक है। आसमान नीला है, समुद्र नीला है और जहाँ भी जिस तरफ भी हम आवाज़ देखते हैं वहाँ नीला नज़र आता है। तो नीलवर्णी चेतना, सुनील चेतना जिसको कहते हैं, जो हमारे वैदिक संदर्भों से भी जुड़ी है और ये हमारे देवी देवताओं का भी कलर नीला है और नीलवर्णी चेतना एक तरह से वैदिक सौंदर्य से भी जुड़ी हुई चेतना है। तो इसको लेके मैंने सीरीज बनाई है और इसका नाम रखा है नीलोद्भव। और स्पेशली मैंने नील के केमिकल की वजह, नील के जो नेचुरल कलर्स हैं जो डाइज नहीं होती हैं, उनके माध्यम को लेकर के भी मैंने कुछ काम किया है, जिसकी हमने एग्जीबिशंस भी की थी और कुछ कलाकारों के साथ में हमने मिलकर के और एक वर्कशॉप भी किया था। कविता माथुर नमस्कार आपको, मोस्ट वेलकम कैलाश बड़ौदा एंड वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू वेरी मच कविता। आई विश कि ये कुछ इनफॉर्मल तरीके से ही हम बात करें और जितना संभव है इसको इनफॉर्मल बनाएं और बट मैं कहानी पढ़ूंगा ज़रूर, ताकि कहानी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मेरा अनुमान हो जाए कि मैं किस तरह की कहानियाँ लिखता हूँ। छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ूंगा, लंबी कहानी नहीं पढ़ूंगा। आप सभी को नमस्कार। एक अलग तरह का माध्यम है इसको बनाने में, स्टूडियो सेट करने में, और आपको अपनी तरह से सब कुछ करना पड़ता है। इससे मोनोलॉग ऑलमोस्ट, यानी आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से संवाद कर रहे हैं, सामने आमने कोई नहीं है आपके आसपास, इट्स ऑलमोस्ट ए मोनोलॉग। तो वैसे लगभग मेरी कहानियाँ भी मोनोलॉग शैली की हैं, उसमें डायलॉग कम है, संवाद कम है और इंट्रोवर्शन की आर्टिस्टिक जो फाइंडिंग्स हैं थ्रू वर्ड्स, वो किसी भी किसी न किसी रूप में मैं उसको रिसर्च में और डिस्कवरी में लगा रहता हूँ। तो डैट ऑल कम्स नेचुरली, जो माइंडसेट मेरा बन गया है उसमें वैचारिकता ज़्यादा है, कि लाइफ के इवेंट्स की बजाय मोमेंट्स ज़्यादा है। आई ट्राई टू एक्सप्लोर माई मोमेंट्स ऑफ लाइफ, लिविंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ। इवेंटफुल नहीं होती है मेरी कहानियाँ, रचनाएँ नॉर्मली। तो ये बातचीत करते करते कुछ ना कुछ इसमें से निकल के आएगा। तो स्वागत है, देवेंद्र जोशी ने मुझे अनुमति दे दी है कि मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ। तो आप सभी लोगों का जन सरोकार मंच की श्रृंखला में स्वागत है, आपका सबको नमस्कार। और आज जब समग्र विश्व, सारी दुनिया एक व्यापक पीड़ा से, संकट से, एक खास प्रकार की त्रासदी से गुजर रही है, जिसे हम कोरोना संकट के रूप में, सारा विश्व इसको भोग रहा है और जी रहा है, और एक अजीब तरह की आइसोलेटेड पॉकेट्स में हम लोग अलग अलग खांचों में, कम्यून्स में, इनको हम एक इम्पोज्ड कम्यून की संज्ञा देंगे। ये एक लिविंग कम्यून्स नहीं है, ये एक कॉन्सेंटाइज्ड हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है, एक वैचारिक कम्यून्स नहीं है, किसी प्रकार का एक प्रतिबद्ध चेतना की बात नहीं, विवशता से इम्पोज्ड जो कम्यून्स हैं, जिनको हम एक अजीब व गरीब दुनिया में त्रासदी में जीने के लिए अभिशप्त हो गए हैं कोरोना की वजह से। इस क्वारंटाइन टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदायों, जातियों, मजहबों के राजनीतिक कलाकारों से, सभी लोगों से संवाद करते हुए इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल टाइम है, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक अलग तरह का संवाद, एक अलग तरह का मंच बन गया है, जिसके माध्यम से सब लोग अपने अपने जिंदगी के दुख दर्द को, सरोकारों को संवाद के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं।
और एक दुनिया किसी न किसी वजह से एक एक अजीबोगरीब दुनिया, एक नई दुनिया पैदा हो गई है, जो निश्चित रूप से इस कोरोना के विश्वव्यापी संकट का एक प्रतिरोधात्मक जवाब है और इस मानवीय संकट से उबरने के लिए जैसे हम कहते हैं कि कोरोना के योद्धा हैं सभी लोग, इस विश्वव्यापी संकट में सभी लोग मिलजुल करके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को जाने माने तरीके से हमें पता नहीं है कि इस लड़ाई के क्या अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या हैं। हमारे मींस, हमारे एम्स, हमारी प्रतिबद्धताएँ, हमारी कार्यवाहियाँ, हमारी सारी संपूर्ण जो जीवन पद्धति वो एक तरह से बदल चुकी है। तो इस सारी आइसोलेशन के बावजूद जो हमारी रचनात्मक चेतना है, इसको बरकरार बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हम सबको संवाद करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा प्रयास है जनसरोकार मंच, बहुत शुरू से एक बड़े लेवल पर, बड़े व्यापक स्तर पर सभी साहित्यकारों से, कलाकारों से, विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोगों से बात करता रहा है। तो मैं भी उसका चूंकि भाग हूँ, तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपको मैं विशेष रूप से अपने कहानियों के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में, अपनी कला के बारे में कुछ बताऊँगा। फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि जो और बड़ा संकट जो हमें प्रारंभ में नज़र आ रहा है, उजला जी नमस्कार, हमारी सीमाओं पर, उत्तरी सीमाओं पर भी एक बहुत बड़ा संकट हमें आज नज़र आ रहा है। और चीन ने बहुत बड़े एरिया में पहले भी 62 के समय भी कब्जा कर लिया था, उसके पहले भी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। और अक्षय चीन के सारा इलाका जो बहुत बड़ा वर्ग है, हमारा हिमालय का जो रीजन्स हैं, उसमें चाइना ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है और आगे अतिक्रमण करने के लिए लगातार वो एक प्रकार का दबाव कायम कर रहा है। तो इस दबाव का विरोध करने के लिए हम सभी विश्व जनमत चीन के खिलाफ है। एक तो कोरोना की एक लड़ाई अपने आप में एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये सब मानते हैं कि चीन द्वारा ही इस कोरोना के संकट को पैदा किया गया, क्योंकि जो वायरस, जो कोविड का जो वायरस फैला है वो चीन के संक्रमण से फैला है। तो चीन एक तरह से विलेन की भूमिका उसकी बन चुकी है, बन रही है और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। चीन को अल्टीमेटली इसको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा गलत तरीके का एक चीन ने ये काम किया है, जिसकी वजह से सारा विश्व संकट में है। खैर, एनीवे, इससे निजात पाने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, साइंस में, समाज में, राजनीति में, डॉक्टर्स में, विभिन्न वर्गों के लोग इस लड़ाई से जूझ रहे हैं। ऐसी लड़ाइयाँ जीवन में, समाज में पहले से भी आती रही हैं, ऐसी बात नहीं कि पहली बार ऐसी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कोई संकट हमारे सामने पहली बार आया है। युद्ध अलग अलग शक्लों में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग परिभाषाओं से, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेज में, अलग अलग वेश में, अलग अलग मर्यादा में, अलग अलग तरीके से युद्ध हम पर थोपा जाता है। और सदियों से, जब से मनुष्य पैदा हुआ है, तब से ये युद्ध किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है, हम इसका जवाब देते हैं। और मानवता की सुरक्षा के लिए हम रचनात्मक तरीके से हर प्रकार के जो विभीषिकाएँ हैं, युद्ध हैं, पोजिशंस हैं, उनके खिलाफ हम एक प्रतिबद्धता से, एक जागरूक मनुष्यता के नाते, एक सजीव रचनात्मक हस्तक्षेप से हम हर प्रकार के युद्ध का जवाब देते हैं। तो हम तैयार हैं और इस संकट की घड़ी में भी हम अपने जांबाज योद्धाओं, सैनिकों के साथ में हर घड़ी में, हर पल में किसी भी प्रकार के इम्पोज युद्ध से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तैयारी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम त्रासदी के बारे में, कला के बारे में, कला की प्रतिबद्धताओं के बारे में सोचें, तो हमें लगेगा कि बहुत पहले पेब्लो पिकासो ने जब गुर्निका की रचना की थी 1937 के आसपास, तो गुर्निका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिरोधात्मक एक कलाकृति थी। और स्पेन में जो गृह युद्ध हो रहा था, स्पेन में जो डेमोक्रेसी वर्सेस जो रेजिमेंटेशन की जो कन्फ्लिक्ट थी, उसमें सभी प्रकार से हार के बावजूद, मानवीय संकट के बावजूद, त्रासदी के बावजूद, एक जो बिखराव पैदा हो गया, सामाजिक टूटन बिखराव पैदा हो गया था उस युद्धोन्माद की वजह से, उसका प्रतिरोध के करने के लिए पिकासो ने ये पेंटिंग गुर्निका बनाई थी। और उसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कि मनुष्य की जो मृत संवेदना हैं,
या जो संहार किया जा रहा है जिन मानवीय संवेदनाओं को, उनके विरुद्ध में एक चेतना, विश्व स्तरीय चेतना का जागरण करें। तो उन्होंने मृत बच्चों के और मदर्स के साथ में, उनके हाथ पैरों की, टूटे हुए हाथ पैरों के साथ विसंकलित जो अंग भंग जो संवेदनाएँ हैं, उनके साथ में एक प्रतिरोधात्मक तरीके से कलाकृति के रूप में एक व्यापक स्तर पर एक प्रतिरोधी रेजिस्टेंस के रूप में गोवेनिका को बनाया। और जब किसी तानाशाह ने पिकासो से एक प्रदर्शनी के दौरान ये पूछा कि ये क्या चित्र आपने बनाया, डिड यू पेंट इट, तो पिकासो का जवाब था उस तानाशाह से, नो आई डिडंट, यू डिड इट। यानी ये युद्ध की जो विभीषिका का जो चित्र बनाया, ये आपकी वजह से मैंने बनाया। दिस इज़ ए रियलिटी, कि ये जो पार्श्विक वृत्तियाँ हैं मनुष्य पर, जो प्रतिरोध मनुष्य के विरुद्ध जो पार्श्विक वृत्तियाँ यदा कदा आरोपित होती हैं, उसका किसी न किसी स्तर पर सजीव तरीके से एक प्रत्युत्तर देने के लिए रचनात्मकता की पहल की आवश्यकता है। और हर कलाकार, चाहे लेखक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे नाटककार हो, चाहे पेंटर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, या किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो इसका जवाब अपने तरीके से, अपने माध्यम से वो देता है, सचेत होकर के। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने भी अपनी रचनात्मकता के माध्यम से, चाहे नाटक लिखे हों, चाहे कहानियाँ लिखी हों, चाहे कविताएँ लिखी हों, चाहे मैंने पेंटिंग बनाई हो, चाहे और कोई कार्य किया हो, किसी न किसी रूप में मैं अपनी रचनात्मक स्तर पर अपनी चेतना से लगातार मैं सामाजिक जो मूल्य हैं, मान्यताएँ हैं, को लेकर के ही मैंने चिंतन किया है। चाहे उनका रूप, रंग, आकृति, उनका आकार, उनका रूपाकार, उनका शिल्प कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि उसी नैरेटिव स्टाइल पर, उसी नैरेटिव परंपरागत तरीके से मैंने अपनी बात कही हो। किसी को काला रंग पसंद होता है, किसी को नीला पसंद होता है, कोई मिश्रित रंगों का प्रयोग करता है, कोई संगीत में किसी विशेष स्वर को पसंद करता है, कोई विशेष राग को पसंद करता है। इसी प्रकार से दर्शकों की, कलाकारों की, पाठकों की भी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई कलाकार कोई अपनी अलग शैली में, किसी अलग तरह के अंदाज में अपनी बात कहता है, इसमें कोई बुराई है। मैं तो मानता हूँ कि पूरे विश्व स्तर पर हर साहित्य में, हर कला में कभी न कभी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कलाकार द्वारा कोई न कोई ऐसा आंदोलन होता है जिसमें समाज में स्वाभाविक मूल्यों का परिवर्तन होता है। और यदि कलाकृति या कला मूल्यों के प्रतिरोध, मूल्यों के परिवर्तन में कोई अपना योगदान नहीं देता है या उसके साथ में हिस्सेदारी नहीं करता है, तो मैं मानता हूँ उस कलाकार की या कलाकृति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। यानी बावजूद इसके कि वो उसका भागीदार है, उसकी सकारात्मक भूमिका केवल भीड़ बनने में नहीं है, उसकी सकारात्मक भूमिका इस पर है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका सबलता से हम उनके साथ खड़े हों, या हम नेतृत्व करने वाले लोगों में शामिल हों, हम केवल भीड़ के अंग नहीं बने। तो मेरे ख्याल में मेरे साहित्य का जो सारा संरचनात्मक जो मेरा आधार है, मेरी अभिव्यक्ति की जो रूपाकार, जो वृत्तियाँ हैं, जो अनुगूंज हैं, जो आवाज़ें हैं, वो मेरे शब्दों की अपनी आइडेंटिटी, एक अलग तरह की आइडेंटिटी प्रस्तुत करने के साथ साथ एक अलग तरह का रचना संसार कायम करने की दिशा में मैंने लगातार काम किया है। और मैं मानता हूँ कि इसमें चाहे अवसाद हो, चाहे संतोष हो, चाहे घुटन हो, चाहे किसी प्रकार का टूटन हो, तो ये सभी जीवन के आवश्यक अपरिहार्य अंग हैं, और जिनको मैंने साहित्य में, अपनी कला चेतना में, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविताएँ हो, उसमें मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपसे मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार युद्ध की चेतना की हमने बात की, युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय की बहुत बड़ी कृति थी, जो कि नेपोलियन के समय में एक बहुत बड़े उपन्यास, बृहद उपन्यास के रूप में, युद्ध पर इतना अच्छा उपन्यास कभी किसी ने नहीं लिखा। तो टॉल्स्टॉय इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क, युद्ध पर ऐसा उपन्यास कभी किसी ने नहीं लिखा जैसा टॉल्स्टॉय ने लिखा। और युद्ध और शांति जो है वो शांति के स्तर पर, इसका मीर शब्द है, शांति नहीं है, समाज का है, इसका अनुवाद मीर से है, तो शांति नहीं है बल्कि युद्ध और समाज था। बट ये इसको गलती से, या आगे किसी ने इसको युद्ध और शांति में कन्वर्ट कर दिया। बट ये सबसे व्यापक जीवन मूल्यों का, संघर्षों का उपन्यास है जो टॉल्स्टॉय ने लिखा, और जिसमें मानवीय मूल्यों का, के क्षरण का, के उसके विरुद्ध जागरण का एक बहुत व्यापक ऐतिहासिक स्वरूप सामने आया।
तो विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास उस समय लिखा गया। आनंद मठ को हम याद कर सकते हैं, चूँकि ये युद्ध का माहौल चल रहा है तो हम युद्ध की चेतना से जुड़ी हुई कुछ बातों की बात अभी कर रहे हैं फिलहाल, और समय अभी हमारे अपने पास है। आनंद मठ भी जो हमारा हमने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी, पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके लिए एक बहुत बड़ा आज़ादी के जुनून को लेकर के लिखा गया उपन्यास बंकिम चट्टोपाध्याय का था, जिसमें वंदे मातरम जैसा नारा सामने आया। और आज भी वंदे मातरम को लेकर के हमारे जीवन में हमारे राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है। तो एक बहुत बड़ा उपन्यास आनंद मठ भी हमारे सामने आया। हेमिंग्वे का अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध है, फेयरवेल टू आर्म्स। इट्स वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बट डॉक्टर जेवागो इज अनदर वेरी गुड नोवेल। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में चूँकि जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध दूसरे देशों में लड़े गए, यूरोप में लड़े गए, और उसका सारा असर साहित्य पर, कला पर, वहाँ की कलाओं पर आया, विकृतियाँ पैदा हुई, अजीबोगरीब तरह का सन्नाटा वैक्यूम पैदा हुआ, बलात्कार हुए, अपहरण हुए और हत्याएं हुई, और एक अजीबोगरीब तरह की अमानवीयता की उत्कर्ष, अमानवीयता की पराकाष्ठा विश्व में, वेस्ट में देखने को मिली, जिसकी वजह से वहाँ की रचनात्मकता, रचनाशीलता में विघटनकारी मूल्यों ने बहुत ज़्यादा स्थापित हुआ, और करीबन 100-150 साल तक कुछ ऐसा साहित्य भी रचा गया जिसमें टूटन घुटन, अनास्था, व्यभिचार, बलात्कार, नौजिया, इस प्रकार की फीलिंग्स आई। तो उस तरह की फीलिंग्स बड़े व्यापक स्तर पर वेस्ट में सामने आई, जबकि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, विशेष रूप से हिंदुस्तान में राही मजूम अजा कमलेश्वर जैसे लोग या आचार्य चतुर्सेन जैसे लोगों ने वयम रक्षामी या युद्ध पर सांप्रदायिकता को लेकर के कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएँ लिखी। वयम रक्षामी जो है आर्य अनार्य संस्कृति को लेकर के लिखा गया। और यदि मैं सबसे पहले जिक्र करूँ अपने पौराणिक संदर्भों का, वेदों में भी सुरासुर संग्राम की बात होती आई है, और ये वैदिक संदर्भों में भी आता है। विशेष रूप से यदि मार्कंडेय पुराण की बात करें, जो पौराणिक संदर्भ में हमारी जिजीविषा का सबसे अद्भुत सबसे बड़ा एक कहना चाहिए एक पौराणिक स्वरूप उसका सामने आया मार्कंडेय पुराण में, जिसमें दुर्गा सप्तशती जैसी मूल्यवान कृति या मूल्यवान रचना या मूल्यवान पद्धति या मूल्यवान पूजा की एक विधि, जो कि जिसको पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में आत्मसात किया गया, और विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में जब शक्ति पूजा हम करते हैं तो उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है 9 दिन तक, और उसके साथ में सारी जो युद्ध की चेतना है, जो मधु कैटब के विरुद्ध, जो आसुरी चेतना के विरुद्ध एक सचेतन नारी चेतना का जो एक रूप सामने आया, और एक प्रबल नारी शक्ति का जो एक प्रारूप हमें मार्कंडेय पुराण के माध्यम से देखने को मिला, वो अद्भुत है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय साहित्य में, संस्कृति में, कला में, वेदों में, पुराणों में भी मानवीय सुरक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए आसुरी वृत्तियों के विरुद्ध मानवीय चेतना ने बहुत ही प्रतिबद्ध होकर के और अनपैरेलल तरीके से उसका जवाब दिया है, और किसी न किसी रूप में मानवीय संघर्ष के माध्यम से हमने मानवता की रक्षा की है। तो ये बहुत बड़ा चरित्र है। फिर यदि हम सामाजिक स्तर पर देखें तो प्रेमचंद ने गोदान में धनिया के माध्यम से एक अलग तरह के नारी चिंतन की बात की, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि महाभोज में भी हुआ, गोदान में भी हुआ, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के जो युद्ध के संदर्भ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो इसलिए मैंने अभी इनका जिक्र किया कि हम विशेष रूप से इन दिनों पिछले करीबन एक सप्ताह से उत्तर भारत की सीमाओं में हमने 45,000 आर्मी के लोगों को डिप्लॉय किया है, एयरफोर्स हमारी वहाँ सक्रिय है, और पूरे विश्व भर के लोग इस चीन द्वारा किए गए दबाव का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे जाबान सिपाही भी पूरी तरह से किसी भी प्रकार का यदि संकट पैदा होता है उसको जवाब देने की तैयार। तो हम ये मानते हैं कि यदि किसी तरह से भी हमारे ऊपर युद्ध भी थोपा गया जिसकी हम किसी प्रकार से भी उसको वेलकम नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, पर यदि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया तो हम इसके लिए पूरी तैयारी से जवाब देंगे, और इसके लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर हमें नज़र नहीं आती। चलिए तो अब मैं सीधा आता हूँ
अपनी कहानियों पर, विशेष रूप से मेरी जो अपनी कहानियाँ हैं, ये अब तक मेरे 3-4 संग्रह कहानियों के छपे हैं। सबसे पहले राजस्थान साहित्य अकेडमी ने मेरा कहानी संग्रह छापा था, जिसका नाम था मेरे पिता की विजय। उसमें करीबन 30-40 कहानियाँ थी। उसके बाद फिर मेरा एक कहानी संग्रह आया उदाहरण के लिए, उसमें भी मेरी करीबन 30-40 कहानियाँ थी। उसके बाद मेरे 2 नाटक छपे। मधुमती में एक नाटक छपा जिसका नाम था काला घोड़ा और हाँ पक्ष ना पक्ष। और अभी पिछले दिनों वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर में मेरा एक नाटक हुआ, जिसको कि जहीर उस्मान ने, रिजवान जहीर उस्मान ने जिसको प्रोड्यूस किया था मेरे साथ में, उसका नाम था भूखा भूखम प्यासी सुनामी। वो कला प्रयोजन में पूरा नाटक छपा है। इसके अतिरिक्त मैंने BBC द्वारा जो सबसे पहले विश्व स्तर पर जो रेडियो नाटकों का जो कंसेप्ट बिल्डिंग किया गया था, रेडियो नाटक जो सबसे पहले विश्व स्तर पर जब BBC ने मॉड्यूल किया था, डिज़ाइन किया था, उसके 5 नाटकों का मैंने अनुवाद किया था। वो नाटक भी कला प्रयोजन में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर से छपे हैं। और नाटकों में मेरी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति रही है। मैंने कुछ बाल रंगमंच शुरू में कुछ वर्कशॉप्स की हैं। पपेट्री को मैंने माध्यम बना के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशनल मीडियम के रूप में पपेट्री को भी अपनाया है। और मैंने पपेट्री के प्ले के थ्रू NCERT, CET और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल स्क्रिप्ट्स डिज़ाइन किए हैं। जब मैं तेलोनिया में था, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर तेलोनिया, मैंने कुछ काम किया। आई वॉज लुकिंग आफ्टर मास कम्युनिकेशंस, तो मैंने कुछ काम किया। कुछ काम मैंने सेवा मंदिर उदयपुर में भी किया है। और इस तरह से मैं थिएटर से, कम्युनिकेशन से भी किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। तो ये मानिए कि थिएटर भी मेरा एक पैरेलल, एक समानांतर मेरा एक कहना चाहिए, एक मेरी रुचि रही है। और मैंने थिएटर को भी जिया है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी रचनाओं में, मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में आपको थिएटर भी मिलेगा, आपको कहानियाँ भी मिलेंगी, आपको कविता भी मिलेंगी, उसमें आपको रंगमंच भी मिलेगा, उसमें पेंटिंग भी मिलेगी। तो मेरी कहानियाँ मल्टी डायमेंशनल प्रभावों पर टिकी हुई हैं। और ये मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि उसमें यदि आप किसी कहानी की खोज के लिए आप कोशिश करेंगे कि इसमें कोई कहानी आपको मिल जाए, मिलती है कहानी, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें कहानी नहीं होती, किंतु वैचारिकता, वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, वो दार्शनिक, वो पुराना दार्शनिकता नहीं है, यानी एक रेडिकल आपका समझिए विचार है। और स्ट्रक्चरल जो चेंजेज आए हैं, जो टूटन शिल्प को लेकर के जो एक अजीब तरह का एक नयापन पैदा हुआ है, वो आपको उनमें देखने को मिलेगा। तो दैट वे मेरी स्टोरीज़ में आपको कुछ ऐसा शिल्प, कुछ ऐसा एक अलग तरह का रूप मिलेगा जो नॉर्मली नैरेटिव स्टोरीज में नहीं होता है। अभी हाल ही में शब्दांकन एक मीडियम है जो दिल्ली में अभी हाल ही में ये जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें रविंद्र त्रिपाठी मेरे मित्र हैं, जिन्होंने मेरी कहानियों पर अभी हाल ही में लगभग 15-20 दिन पहले शब्दांकन के माध्यम से उसकी चर्चा की है। और उन्होंने मेरी कहानियों को अमूर्तन की तरफ जाती हुई कहानियाँ बताया। उन्होंने हालांकि कहा है कि इनका ज्ञान रंजन की कहानियों से मैं तुलना नहीं करता, किंतु ये एक अलग तरह की, विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स की और अलग तरह की शिल्प की कहानी रचना, विशेष रूप से 2-3 कहानियों को उन्होंने उसमें जिक्र भी किया है, जिसमें एक मेरी कहानी है अपर्णा कौर की टाइपिस्ट, तो उसका जिक्र किया। एक मेरी कहानी है, दूसरी कहानी उसका जिक्र किया है, सांख्य कहानी का उसमें जिक्र किया है। और इसी संदर्भ में जो मेरा पिछले दिनों कहानी संग्रह आया है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि बिकॉज आई हैव टू फिनिश माई 1 hour anyway, आई एम श्योर यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, सो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको कम्युनिकेट करूँ मैक्सिमम जो अपनी बातें कह सकूँ, मैं लगातार कह सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पिछले दिनों एक कहानी संग्रह विशेष रूप से बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, और उस कहानी संग्रह का पिछले दिनों आचार्य नंदकिशोर आत्रेय ने, आचार्य नंदकिशोर ने बीकानेर से आकर के उसका उद्घाटन किया था, और हेमंत शेष ने उसकी विशेष बड़ी भूमिका लिखी है, करीबन 20-22 पेज की भूमिका लिखी है। और मैं मानता हूँ कि पहली बार मेरी कहानियों को, की रचनात्मकता को, उसके शिल्प को, उसके वैविध्य को, उसके कंटेंट को, उसके संसार को समझने का प्रयास एक व्यापक स्तर पर, एक मूल्यगत तरीके से, समीक्षात्मक तरीके से, एक रैशनल तरीके से समझने की कोशिश हेमंत ने की है, जो इस पुस्तक की प्रस्तावना में दिया है।
और इस सिलसिले में पिछली बार मुझे फिर मौका मिला था टॉक में, मुझे जनसरो का मंच पर ही कुछ बोलने के लिए बुलाया गया था और मैं अजीम जी फाउंडेशन का के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि दूसरा मौका मुझे उन्होंने फिर दिया कि मैं आप लोगों से संवाद कर सकूँ। तो कुल मिलाकर के जो बुनियादी हेमंत ने जो मेरी कहानियों पर चर्चा की है, फिलहाल मैं इसलिए उनका जिक्र करता हूँ, हालांकि कमलेश्वर ने भी मेरी कहानियों पर लिखा है और रमेश बख्शी ने 3 कहानियाँ ज्ञानोदय में छपी हैं, लगभग 40-50 कहानियाँ राष्ट्रीय स्तर की सभी पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं, भीष्म सहनी ने नई कहानियों में मेरी कहानियाँ छापी हैं, कहानी में मेरी कहानी छपी हैं, मातान में छपी हैं, माध्यम में छपी हैं, लहर में छपी हैं, बहुत सारी पत्रिकाएँ 40-50। तो इन सारी कहानियों का यदि हम डिवीज़न करें, इनका विभाजन करें, तो 3-4 विभाजन सहज रूप से हो सकते हैं। तो 60 से 65-68 तक का एक मेरा दौर रहा और एक 70 से 75-80 तक का दौर रहा और तीसरा दौर 80 से अब तक का जो दौर है उसमें देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में, रेडियो में, टीवी आदि में भी मेरी कहानियों का वाचन और प्रकाशन हुआ है। हेमंत शेष ने मेरी कहानियों के बारे में अलगाव और अजनबीपन का कथा भाष्य ये लिख कर के एक आलेख तैयार किया है, जिसके मुख्य मुद्दे हेमंत ने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे हैं कहानीकार के लिए स्थूल कथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है उसका शिल्प। तो ये बात, इसको समझाना कुछ अलग है, अलग तरह की बात है कि स्थूल शिल्प, स्थूल कथ्य से शिल्प की तरफ मेरी कहानी अनुक हुई, यानी ये माना जाना चाहिए कि कहानी का जो परंपरागत जो ढांचा था, पुराना नैरेटिव का जो ढांचा था जिसमें आदि मध्य अंत होता था, जिसमें कथोपकथन शैली और कई प्रकार की मूल्य 8-10 चीज़ों की बातें होती थी और कहानी की समीक्षाएं एक अलग तरह से परंपरागत तरीके से की जाती थी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो कभी ना तो मेरा कभी उनसे कोई संबंध रहा, ना मैंने उन पर कभी विचार किया, ना मैंने कभी सोचा। ये ज़रूर है कि जब मैं 8वीं 9वीं क्लास का स्टूडेंट था तो निश्चित रूप से मैंने कहानी क्या है और कहानी की क्या आलोचना होती है, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी की क्या मूल्य हैं, तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम में ये बातें हमने पढ़ी थी और उन चीज़ों का असर मेरे ऊपर बहुत असर नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था स्कूल लाइफ में तब मैं लगभग प्रारंभिक दौर से ही मैंने कुछ नई तरह की रचनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था और फॉर्चुनेटली जब मैंने अपनी कहानियाँ लिखना शुरू किया, जब मेरी पहली कहानी वातायन में कहानी में छपी, तो उस समय तक नई कहानी आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। नई कहानी के आंदोलन से ही मैंने कहानी से प्रेरणा ली, उसके पहले जो कुछ भी पढ़ा लिखा वो सब पाठ्यक्रम में आने वाली, चाहे जैनेन्द्र हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे और कोई हो, मैंने उनको पाठ्यक्रम में पढ़ा और पाठ्यक्रम के अलावा मेरी कहीं किसी प्रकार की उनमें रुचि नहीं रही। बाद में निश्चित रूप से जब नई कहानी का आंदोलन आया, एक रचनात्मक एक नएपन के साथ में जब नई कहानी का आंदोलन आया, जिसको कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव ने लीड किया और उसके साथ में और बहुत सारे 10-15 लोग जुड़ गए, निर्मल वर्मा भी जुड़ गए, बाद में कृष्ण बलदेव वैद्य भी आ गए और भीष्म सहनी भी आ गए, मारकंडे भी आ गए, तो वो एक आंदोलन, एक अलग तरह का आंदोलन था जिसने पुराना जो स्ट्रक्चरल ढांचा था जो कि प्रेमचंद के समय डेवलप हुआ था, जैनेन्द्र के समय डेवलप हुआ था, अज्ञेय के समय तक आया था जो ढांचा चलता हुआ, उसको एक नए सिरे से लिखने का, एक नए सिरे से उसको अभिव्यक्त करने का जो जोखिम उठाया, जिसको निर्मल वर्मा ने कला के जोखिम के नाम से भी कहा है, उसकी आलोचना की है, और जिसको अलग अलग समय में नामवर सिंह जी ने भी कहानियों पर अपनी आलोचना लिखी, किंतु मूल रूप से जो कहानी की आलोचना, नई कहानी की जो समझ पैदा हुई वो कहानीकारों द्वारा लिखी गई आलोचना से ही पैदा हुई। उस समय तक अवस्थी थे और दूसरे लोग भी थे, किंतु कमलेश्वर ने या मोहन राकेश ने या राजेंद्र यादव ने जो आपस बात किया, उस समय नई कहानियाँ एक पत्रिका थी, कहानी पत्रिका थी, माया ने भी कुछ विशेषांक निकाले थे और माया ने भी 2-3 विशेष रूप से विशेषांक निकाले थे, तो लगभग इन 10-15 वर्षों में मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, भीष्म सहनी, निर्मल वर्मा, मार्कंडेय और बाकी तमाम 10-15-20 लोग और बाद में आए, तो वो लोग जुड़ गए, तो उस दौर की कहानियों ने, उस दौर के शिल्प ने, उस दौर के रचनात्मक जो
जो इम्प्रेशंस थे और जो फिलॉसफी थी, जो नई नयापन था, न्यू राइटिंग, न्यू एरिया, न्यू राइटिंग का एक दौर चल रहा था, नई कहानी, नई कविता का दौर चल रहा था। उसमें विश्व स्तर पर कविता पर भी, कविता भी एक समानांतर रूप से कविता का भी दौर चल रहा था। उस दौरान में आप चाहे किसी आंदोलन की बात करें, चाहे सचेतन कहानी की बात करें, बाद में अकविता कहानी भी आई, सचेतन कहानी भी आई, तो ये सारे बाद के दौर हैं और इन दौरों से लगातार मैं जुड़ता रहा। हालांकि मैंने किसी दौर में औपचारिक रूप से ना मैं किसी के साथ में रहा, ना किसी के विरुद्ध रहा, किंतु मेरी कहानियाँ इंडिपेंडेंटली अपने आप छपती रही और करीबन 100-125 कहानियाँ मेरी अपने 60s या 70s या 80s के दौरान में वो कहानियाँ मेरी छपी। तो उन कहानियों के बारे में जो नए शिल्प की बात हेमंत सेठ ने जो उठाई है, वो ये है कि परंपरा का जो ढांचा था, जैनेन्द्र का जो ढांचा था, अज्ञे तक आते आते कहानियों में कुछ नयापन आ गया था। और मैं ये दावा करता हूँ कि अज्ञे की जो रोज़ कहानी है, जिसको गैंग्रीन के नाम से भी लिखा गया, या अज्ञे का जो उपन्यास हैं अपने अपने अजनबी हो या उनकी बायोग्राफिकल जो नोवेल हैं, अज्ञे की कविताएँ हैं, मुक्तिबोध का राइटिंग है, कहानियाँ विशेष रूप से काट का सपना में जो कहानियाँ हैं, इसके अतिरिक्त जो श्रीकांत वर्मा की घर कहानी, वंडरफुल स्टोरी। मैं केवल परिंदे की और नई कहानी की बात नहीं करता, मैं ये बातें ऐसी हैं कि आई टेल यू कि किसी भी प्रकार से, यानी आप मार्कंडे की बात करें, आप मुक्तिबोध की बात क्यों नहीं करते? मुक्तिबोध ने जो कहानियाँ लिखी है, वंडरफुल स्टोरी, श्रीकांत वर्मा ने वंडरफुल स्टोरी लिखी है, यानी श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध जैसे लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं। श्रीकांत वर्मा की घर कहानी है जो माया में छपी थी, उस घर कहानी में एक दंपति है जो भिखारी है, वो अचानक बहुत तेज़ बरसात होती है, उस बरसात में आंधी तूफान हो रहा है, तो एक छोटे से मकान में, बरामदे में वो शेल्टर लेते हैं और वो शेल्टर लेकर के उस बरामदे में वो रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ उसी घर के जो मालिक हैं, जो नव दंपति है या पति पत्नी माने, वो पति पत्नी है, वो रह रहे हैं, दे हैव ए डिफरेंट लाइफ। वो हालांकि समृद्ध हैं, उनका एक दूसरे संवाद नहीं है, वो संवादहीनता की जिंदगी जी रहे हैं, और बाहर जो भिखमंगे हैं उस बरामदे में, उस तूफान में, उस आंधी में, उस बरसात में जो बाहर सो रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, दे एन्जॉय ईच अदर, इवन सेक्स टू द एक्सटेंट के मानवीय जो संबंध हैं, जो संवेदनाएँ हैं, वो स्तर पर जीवंत होकर के, मुखर होकर के सामने आती हैं, कि हमें लगता है कि एक बंद जिंदगी, एक शहरी जिंदगी, घुटन भरी जिंदगी, एक एस्टेब्लिश जिंदगी, एक वेल ऑफ जिंदगी, एक कहना चाहिए कि संपन्न जिंदगी, और एक तरह से समाज से दूर फेंकी हुई, यानी जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई रहने के लिए घोंसला नहीं है, वो लोग किस प्रकार जीवन का आनंद लेते हैं और जीवन को जीते हैं। तो श्रीकांत वर्मा की कहानी माया में छपी थी, अद्भुत कहानी है। आप नीली झील पढ़िए, कमलेश्वर की अद्भुत कहानी है। आप दिल्ली में एक बहुत बड़ी कमलेश्वर की अद्भुत कहानी है। आप मलबे का मालिक पढ़िए, आप बॉन्ड्राके की अद्भुत कहानी है। आप प्रेमचंद की गबन, प्रेमचंद की आप पढ़िए कहानी कफन, वंडरफुल, घीसू का और उसका बुधिया का, उसका जो करेक्टर है, माँ बाप पिता का पुत्र का, उधर बुधिया प्रसव से पीड़ित है और मर जाती है, और हाउ डू दे एन्जॉय दे, बाप बेटे बाद में आलू गर्म करके खाते हैं, शराब पीते हैं। तो एक अजीब तरह का, विश्व स्तर पर ऐसी कहानी किसी ने लिखी ही नहीं। कफन एक ऐसी यूनिक कहानी है जो उस दौर की, उस पुराने ज़माने की, जो प्रेमचंद का युग था जब हिंदी कहानियों का विकास हो रहा था, उस दौर की भाषिक स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, स्ट्रक्चरली स्पीकिंग, एक कॉम्पैक्ट, मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टोरी, जिसने जयशंकर प्रसाद के समय का जो स्ट्रक्चर था, जो बहुत क्लासिकल था, उसको एक रियलिस्टिक ढांचे में कन्वर्ट कर दिया। हम इंशाअल्लाह खां की बात नहीं करते, हम रानी केतकी की बात नहीं करते, वो भी एक तरीका था लिखने का था, एक आंदोलन, पुराने ज़माने में कुछ कहानियाँ लिखी जाती थी राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के। एनीवे, ये सब चीज़ें होती रही हैं, किंतु कहानी ने जो धीरे धीरे सतत विकास किया, उस विकास की यात्रा में मेरा भी एक छोटा सा अकिंचन, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। और 60 से 80 के बीच में और 90 के बीच में, लगभग 40-50 वर्ष, 5-10 आप समझिए 50 वर्षों से मैं भी कहानी के एक कार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक पेंटर के रूप में कुछ अपनी
रचनात्मक अपना अवदान कर रहा हूँ। तो उसके लिए हेमंत ने कुछ अपने स्तर पर लिखा है। नए शिल्प के अलावा उन्होंने कहा कुछ पहल उन्होंने लेख की पहल भी की है मैंने। फिर उन्होंने लिखा है कि वैश्विक परिदृश्य में उनका जो योगदान है वो नए जीवन मूल्यों से भी जुड़ा है। तो इस स्तर पर उन्होंने ये माना है, मैं भी मानता हूँ कि मेरी कहानियाँ नाटकों से भी प्रभावित हैं, मैं इब्सन से भी प्रभावित हूँ, मैं ब्रेक्ट से भी प्रभावित हूँ, मैं आइनेस्को से भी प्रभावित होता हूँ, और मैंने और विभिन्न जो रशियन राइटर्स हैं, चाहे दोस्तोवस्की हों, चाहे चेखव हों, चाहे माइकोस्की हों, चाहे और कोई लोग कवि हों, पॉइट्स हों, तो काफ्का इज़ माई मोस्ट, मैं काफ्का को सबसे अधिक काफ्का को पसंद करता हूँ, और काफ्का की कहानियाँ मेरी कहानियों के बहुत नज़दीक है, यानी मेरी कहानी का काफ्का की कहानियों में बहुत नज़दीक है। काफ्का की कहानियों में जो टूटन, जो बिखराव, जो एक अजीब प्रकार की कुंठा, जो अनास्था, एक अजीब प्रकार का जो दुनिया है, जो किसी भी रूप में फिजिकल वर्ल्ड से जो नहीं मिलती, इट्स टोटली इंट्रोवर्टेड वर्ल्ड, इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड विच इज़ नॉट विजिबल। इफ़ यू रीड काफ्का'स ए पर्सन बिना किसी कॉज के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी आरोप के, सडनली उसको जोसेफ को पकड़ के ले जाती है पुलिस। कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर आरोप नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई कानूनी कोई दाव पेच से उसको नहीं, सडनली वन फाइन मॉर्निंग दो आदमी आते हैं और उसे कहते हैं अरेस्ट। और उसके बाद जो तमाशा, जिस प्रकार की व्यवस्था का जो तमाशा काफ्का ने जो दिखाया है पूरे उपन्यास में, से वेरी वेरी बिग नोवेल, बड़ा उपन्यास है, उसमें एक एब्सर्डिटी बैठा कि कानून की मजाक उड़ाई, मखौल उड़ाया, समाज का मखौल उड़ाया, समाज की व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाया। और जिस तरह से मजे लेके काफ्का ने जो मखौल उड़ाया इस व्यवस्था का, उसको देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिस इज द लाइफ। हिंदुस्तान में जो कि हम 70-80 साल से जिस डेमोक्रेसी को जी रहे हैं, ऐसा आज तक कोई उपन्यास, हालांकि कुछ उपन्यास आए हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं लिखा गया, किंतु काफ्का की ट्रायल जैसा उपन्यास मैं नहीं समझता कि जिस फैंटेसी, जिस एब्सर्डिटी को, जिस इम्पोजिशन को, जिस अराजकता को, जिस बिखराव को, जिस तानाशाही को, जिस प्रकार की प्रवृत्तियों को, जो अमानवीय प्रवृत्तियाँ हैं, उसको एब्सर्ड तरीके से उसका उपहास करते हुए, उनसे खेलते हुए एक संक्रमण, एक नए संक्रमित मूल्य की रचना की है, रचनाशीलता का उन्होंने उद्घाटन किया है काफ्का ने, जो अद्भुत है। मेटामॉर्फोसिस ले लीजिए आप उनकी, मेटामॉर्फोसिस इज ए वेरी टिपिकल स्टोरी, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। और उस मेटामॉर्फोसिस में आपको आश्चर्य होगा कि In one fine morning, Gregers Ramza wakes from a dreadful dream and finds himself converted into gigantic insect. एक सुबह अचानक Gregers Ramza उठता है और वो अपने आप को एक मकोड़े, आदम के मकोड़े में बदला हुआ पाता है। अजीब बात है, क्या आदमी किसी मकोड़े में बदल सकता है? फ्रेंच काफ्का जो कि एक रूटीन जीवन जी रहा है, एक तरह की कहना चाहिए कि बिल्कुल एक जैसी एक साल जिंदगी जी रहा, सडनली एक सुबह उठते उठते वो मकोड़े में बदल जाता। उसके बाद सारा समाज, सारा देश, सारा राज, सारी चिंतन, सारी वैल्यूज बदल जाता। यानी एक क्षण के लिए यदि कोई आदमी अपने आप को परिवर्तित महसूस करता है तो सारा समाज बदल जाता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सोसाइटी का। ये उपहास, ये कटाक्ष, ये एक तरह का अटैक, ये एक फीलिंग, ये सेंसिटिवनेस, ये संवेदना, ये काफ्का ने इस रूप में सामने रखी कि हमारा जो मानवीय मूल्य है हमारे ख़त्म हो चुके, क्षरित हो चुके, हमारे मानवीय मूल्य नष्ट हो चुके हैं। तो एक तरह का एब्सर्ड इम्पोजिशन से काफ्का कन्वर्ट हो जाता है और बाद में अल्टीमेटली वो वापस किसी तरह से रिवाइवल भी करता है, बट अल्टीमेटली दैट एंड्स विद नथिंगनेस एब्सोल्युटली। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मानवीय मूल्यों के क्षरण की कहानी है। सेल्स ऑफ इट, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, मिलर की बहुत बहुत बड़ी उपन्यास है। आप कामू का देखिए उपन्यास, जो अजनबी है, लास्टेंजर है, इट्स ए वंडरफुल नॉवेल। एक व्यक्ति जिसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसे सूचना मिलती है तार से, वो शुरू शुरू में अपनी माँ के साथ रहता है, फिर वो सेपरेट रहने लगता है, तो देयर इज नो अटैचमेंट एट ऑल।
विद दी मदर। वो जाता भी है, उसकी फिनरल में भाग भी लेता है, फिर वापस लौट के भी आता है। उसके बाद तमाम प्रकार की दूसरी तरह की घटनाएं जुड़ जाती हैं जिनका कोई इस कहानी से लेना देना नहीं है, किंतु फिर भी एक ऐसी संसार की, एक ऐसी सृष्टि की, कैसे परंपरागत संसार से हट करके कुछ ऐसी चेतना का विकास एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स ने किया है जो नीहिलिज्म से भी जुड़े हुए हैं। दे आर नीहिलिस्ट आल्सो टू सम एक्सटेंट, शून्यवाद की तरफ जाती हुई रचनाएं हैं। और ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज की रचनाएं चाहे नाटक में आई हों चाहे कहानियों में आई हैं, अद्भुत तरीके से वो आई हैं। तो ये जो रचना है अल्बेर कामू की आउटसाइडर के रूप में, वो अद्भुत रचना है। प्लेग इज अनदर वंडरफुल नोवेल बाई कामू। तो हम यदि हिंदी कहानीकारों की बात करें, ज्ञान रंजन की बात करिए, फैंस के जरूर बहुत अच्छी कहानी है। एक परिवार दूसरे परिवार के पड़ोस में रहता है, केवल एक डिस्टेंस है फैंस का, पर फिर भी संवाद नहीं। यानी अजीबोगरीब स्थिति है कि एक परिवार जो कि एक ही वर्ग के, एक ही प्रकार के आय वर्ग के लोग हैं, किंतु उनमें संवादहीनता की स्थिति है। परिवार, एक परिवार वाले दिन भर उस परिवार की चर्चा करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, और दूसरा परिवार जो बिल्कुल पड़ोस में नया परिवार आया है, उसको पड़ोस वाले परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। तो ये जो हमारी दूरियां जो हमारी व्याप्त हो गई हैं समाज में, जो सामाजिक दूरियां पैदा हो गई हैं, उसको इसमें फैंस के दौर दौर में देख लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा कमलेश्वर जी का एक वक्तव्य भी पढ़ना चाहूँगा, चूँकि कमलेश्वर जी ने मेरे पिता की विजय कहानी को सारेगाम प्रकाशित भी किया था, और मैं काफ़ी लंबे समय तक कमलेश्वर जी के साथ में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, भास्कर में भी उनके साथ था। उन्होंने मेरी जो पहला कहानी संग्रह था उसका उन्होंने उसमें कुछ मुझे लाइंस लिख के दी थी जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। कमलेश्वर जी लिखते हैं, मेरे पिता की विजय कहानी के हवाले से कहीं लिखे कमलेश्वर के शब्दों को हिमंत शेष ने कोट किया है। इधर की कुछ कहानियाँ विस्फोटक कही जा सकती हैं, खतरनाक तो ये भी नहीं है। इनमें लेखक की उपस्थिति के बिना काम नहीं चलता। इनमें लेखक अलग अलग शब्दों और वाक्यों के सहारे आता है, वो कहीं छिपा हुआ नहीं रहता। इन कथाओं में कुल मिलाकर बार बार एक खास प्रकार के शब्द लेखक की मानसिकता के साथ हावी होकर के आते हैं। कहानी किसी भी रूप में कन्फर्मिस्ट नहीं रह गई है, वो अपने सिवाय किसी भी सत्ता की गुलाम नहीं। न वो स्थापित मूल्यों की चिंता करती है, न मूल्यों की स्थापना को जरूरी समझती है। अशोक कात्रिक की कहानियाँ इस मुक्ति का प्रमाण है। तो बयान और अन्य कहानियाँ में कमलेश्वर जी की यदि आप कहानी संग्रह पढ़ें तो उसमें मेरी कहानियों का भी जिक्र हुआ है। विवेक राय ने मेरी कहानियों पर चर्चा की है, रमेश बख्शी ने मेरी कहानियों पर चर्चा की, कृष्ण बलदेव वैद्य ने मेरी कहानियों पर चर्चा की, हेमंत शेष ने मेरी कहानियों पर चर्चा की है, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरे बारे में कभी न कभी कुछ आता रहा है। कविताओं का मेरे ख्याल में अभी अवकाश नहीं होगा, किंतु फिर भी यदि चाहें आप एक में छोटा सा वाक्य जो मेरी कहानी से रिलेटेड है, जो हेमंत ने कोट किया है, मैं सुना देता हूँ। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको एक मिनट में आई थिंक एक कोई छोटा सा कोट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त के साथ कैसी कैसी अजीब व गरीब बातें होती हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह की परिस्थितियाँ, सब वक्त के खेल बन जाते हैं। मैं भी वक्त का खेल बन जाता हूँ। वक्त मेरे लिए पहेली, वक्त मेरे लिए चुनौती, मेरी खिड़की, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरा पिता, मेरा अफसर, मेरा कागज़, मेरी कलम, मेरा क्षण क्षण, हर अगला क्षण, हर बीता क्षण। और आसपास वक्त भी उसी तरह नाचता है, कूदता है, फांदता है, फुदकता है, मेंढक की तरह, वेश्या की तरह, सड़क के सिपाही की तरह, बंदूकधारी तरह की तरह, टांगे वाले की तरह, मक्खी की तरह, जलेबी की तरह, चाकू की तरह, इमारत की तरह, फुटबॉल की तरह। वक्त भागता है, खड़ा हो जाता है, चलता है, वह भागता है, डराता है, धमकाता है। ये कुछ अंश हैं, इम्प्रेशंस हैं जो कहानी को लेकर के मैंने अभिव्यक्त किए हैं। अब आप यदि मुझे अनुमति दें थोड़ा सा, तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पढ़ देता हूँ, शायद आपको रुचि कर लगेगी। कहानी का शीर्षक है, नई कहानी है जो
अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने लिखी थी, पढ़ देता हूँ। कहानी का शीर्षक है स्कूटर। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बेटी की बात अभी नहीं, सिनेमा हॉल से हम सब बाहर आ गए। बाहर आते ही देखा सामने के मोटर गैरेज पर बरसों से बंद पड़े ताले के आसपास टीन के लहरियादार बड़े दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। फुटपाथ पर चिकनाई, काई और बिच्छू पत्ती और घास के साथ साथ सफ़ेद रंग के कीड़े उड़ रहे थे, खुजली पैदा करने वाले कीड़े। उसी के पास कुछ स्कूटर खड़े थे। एक स्कूटर की धुलाई चल रही थी। कहानी का शीर्षक स्कूटर। एक स्कूटर की धुलाई चल रही थी। तेज फव्वारे की धार से मेरा मन भी अपने लम्ब्रेटा की धुलाई का सर्विस का हो आया। आज वैसे भी संडे था और फुर्सत भी फुर्सत थी। अब मैं घर में न ताश खेलने वाले लोग आते थे, न शतरंज या कैरम खेलने वाले लोग। कोरोना वाली समय नहीं था, इट वॉज ऑल्सो डिफरेंट टाइम। न कैरम खेलने वाले लोग आते थे। इस सब को गुजरे जमाना हो गया था। संडे के दिन किसी न किसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा जरूर हो जाता था, जो बेटे और बेटी को भी लपेट लेता था। सारे घर में विचित्र प्रकार का सन्नाटा, तनाव भर जाता था। सभी पत्थर के बुतों से बंध कर बैठ जाते थे। बेटी की बात बाद में, वह तो घर से चली गई। तेज तेज तीखा फवारा स्कूटर पर पड़ता, मिट्टी उतारता और आसपास का इलाका पानी से भर जाता। एक आध फटी हुई चप्पल पानी में डूबी, आधी डूबी वहीं पड़ी हुई थी। कुछ अखबार के गीले टुकड़े, कोई चींटियों के लिए आटा डाल गया था। यह कोई पुण्य का कार्य था, कार्य नहीं था बल्कि पाप उतारने के लिए किया गया जुगाड़। अगले चौराहे से सड़क से मुड़कर कबाड़ी बाजार चली गई। सड़क मुड़कर कबाड़ी बाजार चली गई थी। यह एक आश्चर्य की बात थी कि लगभग 15-20 साल बाद मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी पिक्चर देखने के बाद यहाँ आए थे। इसका श्रेय जाता था टाइटैनिक फिल्म को। मुझे लगता था कि टाइटैनिक के कई टुकड़े टूटे बिखरते परिवारों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि टाइटैनिक ने कई टूटे या बिखरते परिवारों को जोड़ने की कोशिश की थी। वह समुद्र यात्रा के दौरान प्रेम पर फिल्माई गई पारिवारिक फिल्म थी। उसका रोमांस अद्भुत था। समुद्र की लहरों की तरह उसकी नायिका की सफ़ेदी समुद्र के सर्फ जैसी गहराई से पैदा हुई, और नायक के तो कहने ही क्या, वह तो जैसे साक्षात कामदेव ही था। मेरी पसंद का नायक, वह किसे पसंद नहीं आता। खैर, बात आगे आगे निकल गई। इतना आगे बात को जाना नहीं चाहिए। बात जब स्कूटर को केवल सर्विस कराने की हो तो इतनी सारी बातें क्यों, पहले नाटक जैसी लगती है। इस कहानी को हम तीन ही पात्र थे। हमारी लड़की कहीं घोर अंधेरे में गुम हो गई थी। फुल फेदम फाइव उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। मुझे शेक्सपियर की याद आने लगी थी। कहाँ अचानक गहराई में चली गई बिटिया। फिलहाल इस कथा नाटक में हम तीनों ही थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। दूसरा था लघु नाटक या मिनी नाटिका, जिसमें मैं था स्कूटर का एक मिस्त्री, उसके साथ दो चिकने लड़के। तीसरे में अब उभर रही थी अकेली एक विजय मुद्रा में खड़ी एक अलग स्त्री, मेरी पत्नी अर्थात मेरे बेटे की माँ। इस कथा नाटक या उपन्यास या फिल्म का नाम बन रहा था माँ तुझे सलाम। यानी ये कहानी चल रही है पर अब मैं अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा हूँ। इस कथा नाटक या उपन्यास या फिल्म का नाम बन रहा था माँ तुझे सलाम, यानी वंदे मातरम। वहीं कहीं आसपास डिजोल होते धुंधल के घुंघराले बालों के बीच में उभरता संगीतकार A.R. रहमान एक झंडा लेकर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। और यह कि उसके पीछे भौंक रहे थे कुछ गली के कुत्ते। हंस की पंक्तियाँ नहीं, गुलाब की पंखुड़ियाँ, तूफान भी नहीं, कीचड़ में नहीं, इंद्रधनुष भी नहीं, भूखे लोगों की भीड़ भी नहीं, और कारगिल की लड़ाई भी नहीं। मैं कुछ देर के लिए ठगा ठगा से रह गया, स्तब्ध हो गया। अपने आप में अजनबी मेरे पास खड़ा था कलाकार मकबूल फिदा हुसैन, सफ़ेद दाढ़ी वाला, नंगे पैरों वाला, और चारों ओर से कोई फूल फेंक रहा था, कोई पत्थर। और वहीं उभर रहे थे स्वर मेरी पत्नी के आसपास, माँ तुझे सलाम। क्या हुआ तुम्हें, घर नहीं चलना? यह पत्नी की आवाज़ थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पत्नी की आंखों में देखा
मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। क्या हुआ तुम्हें, पत्नी ने मुझे देखकर कहा। बेटा उबने लगा था, फास्ट जनरेशन का लड़का। बेटा बोला, पापा कम ऑन प्लीज़, कम ऑन यार। मैंने सोचा हमें आखिर जाना कहाँ है। मेरे मुंह से निकल गया, स्कूटर की सर्विस करा लेते हैं, कितनी अच्छी सर्विस हो रही है यार। तुम बेटे बस से घर चले जाओ, मैं और मम्मी बाद में स्कूटर लेकर आते हैं। तुम्हें दोबारा देखनी है या फिल्म, बेटे ने व्यंग से पूछा। मैं मुस्कुरा दिया। पत्नी को समझ में नहीं आया कुछ, आया उसका चेहरा स्टिफ हो गया। फिर भी पत्नी ने कहा, इसे क्यों भेज रहे हो, यह भी हमारे साथ ही चलेगा। पर यह अभी स्कूटर सर्विस को की बात मुझे कैसे सूझ गई। मुझे लग रहा है हमने ऐसी जगह इसी तरह बिल्कुल आज की तरह कभी अपने स्कूटर की सर्विस यहीं पहले कभी कराई थी। यही वह मिस्त्री था, यही थे दोनों चिकने लड़के, बहुत अच्छी सर्विस थी उन दिनों। मुझे याद और भी याद आ रहा है, मैं कहीं डीप में चला गया था। ग्रेट, बेटा बोला, मेरे महान पापा सैल्यूट। अबे उल्लू के पट्टे, सैल्यूट करना हो तो अपनी माँ को करना। बेटा तत्काल सैल्यूट के लिए तैयार हो गया। माँ तुझे सलाम, मैंने कहा वंदे मातरम। तभी हल्की बूंदा बूंदी शुरू हो गई। कुछ लोग जो सड़क पर खड़े थे आसपास के पेड़ों के नीचे चले गए, कुछ और लोग उस गैरेज के दिन शेड के नीचे आ गए। हम तीनों भी स्कूटर को लेकर वहाँ खड़े पहुँच गए। मुझे लगा अगर मैं सर्विस की बात करूँगा तो मिस्त्री को लगेगा बरसात में खड़े रहने का फ़ायदा उठाने के लिए ही यह आदमी सर्विस की बात कर रहा है, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी मूड नहीं था। मैंने बरसात आने से पहले ही सर्विस की बात सोच ली थी। मैंने कहा सर्विस करवानी स्कूटर की। मिस्त्री ने स्कूटर की हालत देखी। साहब इसे बेच क्यों नहीं देते। इस खटारे को कौन लेगा, 65 का लम्बरेटा है, पर आज भी इस पर हम तीनों चलते हैं एक साथ। मिस्त्री हंस दिया। उसने उड़ती सी नज़र से मेरी पत्नी को देखा। बेटा गंभीर हो गया धीरोदात नायक की तरह। मिस्त्री ने इशारा करके छोकरों से स्कूटर अलग भीतर रखवा लिया। कितनी देर लगेगी, पत्नी ने पूछा। बस अभी हो जाता है मैडम, मिस्त्री बोला। मुझे जाने क्यों लगा जितना कॉन्फिडेंस मिस्त्रियों को अपने धंधे में होता है वैसा कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री को भी देश चलाने में नहीं होता। मैं मन ही मन अपने विचार को लेकर एक कबूतर की तरह गुटुरगु करने लगा। मैंने अपनी पत्नी को देखा और मेरी आँखों से फिर आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने धीरे से अपने आंसू रुमाल लेकर पहुँच लिए। स्कूटर वाले मिस्त्री ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, सर क्या इंजन में ऑयल भी डलेगा। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह एकदम से ठिठक गया। अरे साहब आप तो रो रहे हैं, क्या फिल्म इतनी रुलाने वाली थी। मैं बार बार सबके बीच पकड़ा जा रहा था, यह क्या हाल बना रखा था मैंने अपना। नहीं बेटा ये तो कभी कभी यूँ ही निकल जाते हैं आंसू, इसका कोई अर्थ नहीं है। मिस्त्री जो मुसलमान था गंभीर हो गया। साहब कुछ हुआ है आपके साथ, क्या पिक्चर में आपकी जेब कट गई। पागल, जेब कट जाती तो सर्विस कैसे कराता स्कूटर की। अरे हाँ तो साहब पैसा कहाँ जाता है, आपसे कभी भी ले जा। फिर एक बार स्कूटर वाले मिस्त्री की नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी और वह उसे स्कूटर लेने के लिए चला गया। दोनों छोकरे आए और नट बोल्ट खोलने लगे। स्कूटर वाला फिर मेरे पास आया और बोला, अभी मुझे ख्याल आया आपने मुझे बेटा कहा। क्यों, क्या मैं तुम्हें बेटा नहीं कह सकता। मैं मुसलमान और आप, वह रुक गया। तुम मुसलमान में हिंदू यही ना, मैं बोला। तो इसमें क्या बात हुई, क्या मुसलमान किसी हिंदू का। फिर वैसे अपनी बात कहते हुए रुक गया। अरे यह तो सब चलता है, तुम मेरे बेटे न सही, मैं तुम्हारा बाप नहीं, पर हम सब हिंदुस्तानी तो हैं। मिस्त्री को अचानक जाने क्या हुआ, यह तो ठीक है साहब। फिर वह अचानक सैल्यूट को की मुद्रा में आ गया। मेरी पत्नी को मुखातिब होकर बोला, माँ तुझे सलाम। घसक पिक्चर वाली हिंदुस्तानी सिचुएशन लगती है। बरसात एकदम बंद हो गई थी, गैराज के साइड में खड़े स्कूटर फिर सड़क के किनारे आ गए थे। लोग घमासान स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगे थे। मुझे देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया है, ये आंसू तुम्हारे चेहरे पर क्या है, फिल्म इतनी सेंटिमेंटल थी। मैंने मन ही मन सोचा कितनी भोली है मेरी पत्नी, मुझे जाने क्यों लग रहा था यह सब पहले ही घटित हो चुका है, यह आज नया कुछ भी नहीं हो रहा। धीरे धीरे हम तीनों पुनर्जन्म की किसी बेला में प्रवेश कर रहे थे। यह अतीत वर्तमान भविष्य को जोड़ने वाला कोई चौराहा था, यही हम सब खड़े थे। स्कूटर वाला मिस्त्री हमारे स्कूटर की धुलाई कर रहा था। दोनों छोकरे इधर उधर आ जा रहे थे, चिकने छोकरे, मिस्त्री उन्हें गालियां दे रहा था। एक छोटा लड़का अभी जिसने ज़ोर से अपनी गलती पर झापड़ जड़ दिया था,
छोटा लड़का बिना बोले पानी से कोई पेच तो खोल रहा था। जिस तरह वर्षा चिकने घड़े पर असर नहीं करती, वैसे ही इस चिकने लड़के पर उस मिस्त्री की गाली और झापड़ का असर नहीं हुआ, कम से कम ऊपर से यही लग रहा था। पापा कोई खास बात? इस बार मेरी गंभीर स्थिति देखकर बेटा पूछ रहा था, मम्मी आप पापा को मेंटल हॉस्पिटल में दिखा क्यों नहीं देते? वहाँ डॉक्टर भटनागर तो इनके अच्छे दोस्त हैं। मेरी पत्नी एकदम स्तब्ध रह गई। हालांकि मैं यह ठीक समझता था कि जो बेटा कह रहा था उसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी, बस बात बड़ी जल्दी क्विक डिसीजन में बिना किसी प्रसंग के सीधे सपाट कह दी गई थी। शायद इसी का अफसोस मेरी पत्नी को था। मैं डिप्रेशन का शिकार तो कई दिनों से था। डिप्रेशन के 1108 कारण थे। मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगार था, मेरी पत्नी की दूसरी स्टेज की तपेदिक थी, मेरी बिटिया टीवी और फिल्म के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, और एक शादीशुदा 3 बच्चों वाले डायरेक्टर के साथ जो कभी मेरा दोस्त था कि अब एक रखेल बनकर रहने लगी थी। वह बहुत से लोगों से मिलने जाती थी, कभी कभी किसी सीरियल में उसका कोई छोटा मोटा रोल हम देख लेते थे। एक्ट्रेस वह गजब की थी, किंतु अब थोड़ी मोटी और स्थूल हो गई थी, इसीलिए मेन रोल की बजाय उसे साइड रोल ही मिलते थे। मेरे घर में मेरा प्रिय तोता इलू भी पिंजरे से उड़ गया था। एक दिन पिंजरा खुला रह जाने के कारण, और सबसे बड़ी परेशानी तो उस समय हुई जब इस देश के बारे में सोच सोच कर बार बार चुनाव आ रहे थे, कारगिल युद्ध हो चुका था, अणुबम इस्तेमाल किए जाने की चेतावनी थी, देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, और मेरे पास 65 के मॉडल का लैम्ब्रेटा था अभी भी, जिस पर हम तीनों बैठकर छोटे से अपने शहर का चक्कर काट आते थे। मेरी आंखों से फिर अश्रुधारा बह निकली। मैं बार बार जाने क्यों रो पड़ता था, जैसे यह सड़क नहीं कोई रंगमंच हो, जैसे यहाँ मेरे पास खड़ी मेरी पत्नी नहीं पत्नी का करैक्टर हो, जैसे स्कूटर की सर्विस करता मिस्त्री और उसके दोनों छोकरे ऐसे करैक्टर हो जो किसी सीरियल की हिस्सा बन रहे हों। मैं सचमुच कहीं गहराई में डूब गया था। अब सब कुछ मुझे बदला नज़र आ रहा था। इसी बदलाव को एक बिल्कुल नया ही रूप देता हुआ मिस्त्री मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, सर आपका यह स्कूटर जिसकी आज सर्विस की है मुझे कुछ अलग नज़र आ रहा है, इसे छूकर देखता हूँ तो इसमें किसी अजीब आदमी की फीलिंग हो रही है, यह स्कूटर मुझसे कुछ मांग रहा है, वह मांग रहा है आपसे एक बड़ा बलिदान। सॉरी मेरा बैटरी इसकी ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको लास्ट में इसका पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, एंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बीच में एक हिस्सा रह गया है। मिस्त्री कहता है मैं इनके हाथ पैर लेकर इनमें स्कूटर के पहिए जोड़ दूँगा। हाथ पैर मामा से ले सकते हैं, वे घर में अकेली पड़ी रहती हैं, आजकल बोर हो चुकी हैं, फिर बहुत सी बातें करने की मैं सोच रहा हूँ। पापा आपके तो कई सपने अधूरे पड़े हैं, कई फिल्में भी अधूरी पड़े हैं, आप मम्मी के हाथ पैर लेकर के स्कूटर में क्यों नहीं लगवा देते? मैं पहियों से वे पहियों में चल फिर सकेंगी? स्कूटर वाला एक हैरत में अपनी गर्दन के दोनों ओर से मैं गर्दन को दोनों ओर से जोड़ दूंगा, वे आसानी से काम निकाल सकेंगी, माँ तुझे सलाम। पर यह सब किस बदलाव के लिए ज़रूरी था, मैंने सोचा। हालांकि मैं जानता था यह बदलाव यानी इसमें बीच में जो थोड़ा सा जो प्रभाव आया है स्कूटर का, कोई पुर्जा कोई इधर उधर की कोई चीज़ मिल नहीं रही है, तो वो कह रहे हैं कि मम्मी के हाथ पैर इसमें से तोड़ करके हम स्कूटर में लगा देते हैं, वो चलने लगेगा। यह सब किस बदलाव के लिए ज़रूरी था, मैंने पूछा। हालांकि मैं जानता था यह बदलाव जरूरी और स्वाभाविक लग रहा था। यकायक सामने उपस्थित हो गई नई परिस्थितियाँ, नया नाटक जैसा, शायद यह कोई नई फिल्म भी हो सकती थी। मेरी पत्नी तैयार थी, मिस्त्री ने पत्नी के अंग स्कूटर पर जोड़ दिए, और जन कल्याण के लिए मेरा सन 65 का लैम्ब्रेटा स्कूटर लेकर मिस्त्री कहीं दूर चला गया, दूर बहुत दूर। तो ये कहानी है स्कूटर, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, परिस्थितियों में किस प्रकार से बदलाव आता है, कैसे एब्सर्ड चीज़ें लॉजिकल तरीके से इम्पोज हो जाती हैं जीवन में। तो ये कहानी स्कूटर एक सिम्बॉलिक कहानी है जो पिछले दिनों मैंने लिखी थी, और चूँकि 5% बैटरी बची है, मुझे लगता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेरी बिटिया को आवाज़ देता हूँ, कैटी, ओ कैटी जल्दी आ नीचे। मैंने अपनी वो ग्रैंड डॉटर को बुलाया है, इनकेस यदि कुछ फिजिबिलिटी, इसकी बैटरी 5% बची है, क्या करना है।
जल्दी बता, तो शैल वी कंटिन्यू और वी कैन फिनिश, व्हाट व्हाट वी कैन डू बेटर, वी कैन फिनिश एंड आई थिंक सिंस द बैटरी इज स्लो मोर, व्हाट वी कैन डू।